आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। हम टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स तो देखते हैं, और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ पे हेल्थ के रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरह नहीं मिल पाते, और आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो कई चीज़ें हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ईजी स्टेप्स में भी शुगर प्रॉपरली कंट्रोल हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ सुनते ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा शुगर कंट्रोल करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, बेसिक मिस्टेक्स हम एज क्लिनिशियंस कर देते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से वे मिस आउट ऑन मल्टीपल थिंग्स। सो बेसिक थिंग्स जो हमने ऑब्जर्व किया है क्लिनिकली, कि जब भी एक बच्चा आपके पास क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि वो इंसुलिन कहाँ लेता है। हम कितनी बार देखते हैं, क्योंकि पेरीफ्री सेटअप्स में, रूरल एरियाज में माँ बाप एजुकेटेड नहीं हैं, तो उन्हें बार बार बताने के बावजूद वो इंसुलिन थेरेपीज गलत साइट्स पे लेते हैं, जैसे कि काफ मसल्स हैं, बाइसेप्स में, बाइसेप मसल्स के अंदर हैं, तो उसकी वजह से इंसुलिन का डोज प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, और शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं। दूसरा, इंसुलिन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे इंसुलिन दे रहे हैं आप। अगर प्रॉपर इंसुलिन डिलीवरी ही नहीं होगा, सो अगेन जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं वर्बली कि भाई आप जितनी रोटी दे रहे हैं उसके हिसाब से आप इंसुलिन दीजिए, बट बेसिक मिस्टेक ही रहेगा कि इंसुलिन अगर बच्चा प्रॉपरली आप दे ही नहीं रहे हैं उसको, तो भी आपका काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इंसुलिन डिलीवरी कैसे जा रही है, कहाँ पे इंसुलिन दे रहे हैं, थर्डली इंसुलिन कहाँ स्टोर करते हैं। अगेन रूरल एरियाज में स्टोरेज के इश्यूज बहुत रहते हैं, बट बेसिक चीज़ें जैसे एक अर्दन पॉट है, ठंडा पानी भर, उसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, उसमें भी इंसुलिन स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर बच्चा ट्रैवल कर रहा है और आपको इंसुलिन साथ में कैरी करना है, तो कैसे कोल्ड चेन मेंटेन करनी है वो पेरेंट्स को बताना भी बहुत आवश्यक होता है, और अगेन वो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो अगर हम पेशेंट को काउंसिल करें तो शुगर फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भी कई बार क्लिनिक में याद से पेशेंट को बोलना भूलते नहीं है, कि बच्चा बीच में जो भी खाना खाता है उसकी कैलोरी काउंटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे खान पान के पदार्थ होते हैं जिसमें शुगर स्पाइक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और बच्चे का पेट भी भर जाता है, तो ऐसी चीज़ों का स्नैकिंग करना भी बहुत यू नो आइडियलिस्टिकली यू कैन एडवाइज योर पेशेंट्स, ताकि बार बार बच्चों को इंसुलिन ना देना पड़े और शुगर स्पाइक्स कम हो सकें। आई होप ये टाइप 1 डायबिटीज़ के बेसिक टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। थैंक यू।